देखो, कंडक्टिंग सिस्टम के पांच पार्ट हैं, एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज, बंडल ब्रांचेस और पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर्स ही हैं जो क्या करती हैं, जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को और स्प्रेड करती हैं वेंट्रिकल्स में। जो एसी नोड है वो, देखो, स्पेशल सेल्स है ना, स्पेशल सेल्स फिर से आ गया, वो ही न्यूरोमस्कुलर सेल है। वो ये प्रेजेंट कहाँ है, वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम आपको पता है कि हार्ट का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन होता है ना, वहाँ पर ये स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, जहाँ से सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है उसकी वॉल, वहाँ पर राइट एट्रियम में वॉल्स में प्रेजेंट है, मेयोकार्डियम में है ना। तो 1 मिनट में ये भी क्या करता है, एसे नोड इम्पल्सिस को जनरेट करता है, जो कि आगे जाकर कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिसके वजह से जो ब्लड है वो हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा ना। 1 मिनट में 60 to 90 times ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करता है ना। तो इसे ये कहते हैं डिस्चार्ज, मतलब कि जो 60 to 90 times ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, एवी नोड से भी ज़्यादा फास्ट करेगा है ना। तो इसे बोलते क्या है हम, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर क्यों बोलते, क्योंकि एस ए नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट है और ये ही स्टार्ट करता है सर्कुलेशन को है ना, कॉन्ट्रैक्शन करके। अब आती है बारी एवी नोड। एवी नोड भी क्या है, स्पेशल टिश्यूज़ हैं, ये सेल्स हैं और ये स्पेशल टिश्यूज़ हैं जो कि सेम वॉल ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये वाले कहाँ थे, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा के पास, लेकिन ये वाले कहाँ है, नियर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जहाँ मतलब कि राइट एट्रियम के एंड वाले पार्ट में जहाँ वॉल्व लगा हुआ है वहाँ पर ये प्रेजेंट है ना। इसे सेकेंडरी पेस मेकर बोलते हैं एवी नोड को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर एसए नोड में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो एवी नोड सारा काम अपने ऊपर लेता है और ये वाला फिर कॉन्ट्रैक्शन करवा के सर्कुलेशन को स्टार्ट करता है, ठीक है। ये 1 मिनट में 40 to 60 times इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करता है, इसीलिए कहते हैं कि जो एस ए नोड है वो ए वी नोड से फास्टली डिस्चार्ज करता है। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज क्या करेगा, ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम ए वी नोड टू वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। देखिए क्या करेंगी, ट्रांस जो इम्पल्सिस एस ए नोड ने चाहे जनरेट किया या फिर ए वी नोड ने जनरेट किए, ये वेंट्रिकल में उसे क्या करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी है ना, आगे ट्रांसमिट करेंगी। ये ट्रांसमिट किसकी हेल्प से करेगी, बंडल ब्रांचेस से। अब राइट एट्रियम में बहुत सारी क्या होगी, ब्रांचेस होगी जो क्या करेंगी, एक तो हार्ट बीट को कंट्रोल करेंगी है ना। तो फिर सेकंड क्या है, ये ब्रांच का क्या है, बहुत सारे काम है ना, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो सेम काम करता है कि वेंट्रिकल को बताता है कि तुमने कब कॉन्ट्रैक्शन देनी है, ठीक है। बंडल ऑफ हिज ने इम्पल्सिस को भेजा वेंट्रिकल में और बंडल ब्रांचेस क्या बताएगा कि तुमने कब कॉन्ट्रैक्ट करना है। और लास्ट में पुरकिंजी फाइबर, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्या करता है, स्प्रेड करता है, प्रोपेगेट करता है इम्पल्सिस को वेंट्रिकल मसल में, और जनरेट भी करेगा और स्प्रेड भी करेगा। अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। सो अगर आपको डबल सर्कुलेशन पर वीडियो चाहिए, डू कमेंट डाउन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।